हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यथार्थ नर्सिंग हब। आज अपने एक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक टॉपिक है जिसका नाम है एनजी ट्यूब। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एनजी ट्यूब क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम एनजी ट्यूब के बारे में जानते हैं। इसका पूरा नाम नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब होता है। इस शब्द का मतलब होता है, नेजो का मतलब नेजल और गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टोमक। यानी कहीं ना कहीं इसके अंदर हम नो से लेकर स्टोमक तक के बारे में बात करेंगे। बात ये करते हैं कि एक ट्यूब को नोज से लेकर स्टोमक तक इंसर्ट करते हैं। यह जो प्रोसीजर होता है, इस प्रोसीजर को हम एनजी ट्यूब बोलते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, नोज से लेकर स्टोमक तक एक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। यह जो प्रक्रिया या प्रोसेस होती है, इसको बोला जाता है एनजी ट्यूब। अब बात ये आती है कि जो एनजी ट्यूब होता है, इसको हम क्यों यूज में लेते हैं। कोई तो ऐसा कारण रहा होगा जिसके लिए हम एनजी ट्यूब को यूज में लेते हैं। तो सबसे पहला कारण है प्रोवाइड फीडिंग। जो पर्सन खुद एबल नहीं है कोई भी फूड लेने को, उसके लिए हम एनजी ट्यूब का यूज करते हैं, उसको बोला जाता है प्रोवाइड फीडिंग। या इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हो गैस्ट्रिक गावाज। दो शब्द आते हैं, एक तो गावाज एक लावाज। गावाज का मतलब होता है गिव और लावाज का अपने बोल सकते हैं याद रखने के लिए लेना। किसी फूड को बॉडी में प्रोवाइड करवाना गैस्ट्रिक लावाज या टू गिव, या किसी फूड को बॉडी से बाहर निकालना गैस्ट्रिक लावाज या लेना। नेक्स्ट अपने बात कर सकें और किस में यूज कर सकते हैं, ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग्स को बॉडी में प्रोवाइड करवाना, उसके लिए भी हम एनजी ट्यूब का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट गैस्ट्रिक की स्टोमक की सर्जरी होती है, उस दौरान भी हम एनजी ट्यूब का यूज कर सकते हैं। या गैस्ट्रिक सर्जरी है उस दौरान एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए भी हम एनजी ट्यूब का यूज ले सकते हैं। या बोले तो और किस में यूज कर सकते हैं सर, गैसेस डिस्टेंशन, गैसों से आराम प्रोवाइड करवाने के लिए भी हम एनजी ट्यूब का यूज ले सकते हैं। तो बात है, इन सब कारणों से हम एनजी ट्यूब का यूज कर सकते हैं। रिपीट कर लेते हैं एक बार, फीडिंग के अंदर गावाज या लावाज इन कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं। गैसेस से रिलीफ प्रोवाइड करवाने के लिए, सर्जरी के दौरान एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम एनजी ट्यूब का यूज करते हैं। स्टोमक का डीकंप्रेशन होने से प्रिवेंट करने के लिए हम एनजी ट्यूब का लेते हैं। इन सब का यूज हम एनजी ट्यूब के पर्पज के लिए करते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें इंडिकेशन की, इंडिकेशन किन पेशेंट के अंदर, तो सबसे पहले जो पेशेंट आता है उनकी बात करते हैं सर हम, पॉइजनिंग वाले पेशेंट में। जो पेशेंट जहर खा चुके हैं, बॉडी में जहर जा चुका है स्टोमक के अंदर, उनको हम रिमूव करने के लिए उन पेशेंट के अंदर हम एनजी ट्यूब का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें जिन पेशेंट को निगलने में दिक्कत आ रही है, स्वेलिंग करने में डिफिकल्टी, इन स्वेलिंग में दिक्कत आ रही है, उन पेशेंट के अंदर हम एनजी ट्यूब का यूज कर सकते हैं। जो पेशेंट कोमा में जा चुके हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट जिनको होश नहीं है, उन पेशेंट के अंदर हम एनजी ट्यूब का यूज कर सकते हैं। अभी बात की थी गैस्ट्रिक सर्जरी, किसी प्रकार की गैस्ट्रिक सर्जरी आ रही है, उनके अंदर भी हम किसका यूज कर सकते हैं, एनजी ट्यूब का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं इसी के अंदर, प्रोसीजर की।
ये जो प्रोसीजर हो जाए कैसे किया जाता है, तो इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिकल की, कौन कौन से आर्टिकल लेते हैं। तो आर्टिकल के लिए सबसे पहले जो आर्टिकल है उसका नाम होता है एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब का साइज पूछें तो बता देना सर 16 फ्रेंच, तो अडल्ट में यूज करते हैं, और 10 फ्रेंच हम इन्फेंट में यूज करते हैं। यहाँ पर जो फ्रेंच बताया गया है, ये जो साइज बताई गई है, ये लेंथ को इंडिकेट नहीं करेगी, यह इसके डायामीटर को इंडिकेट करती है, ल्यूमेन को, इसके अंदर का जो एरिया होता है यह कितना है, इस चीज को इंडिकेशन करती है, ना कि लेंथ को इंडिकेट करता है। फ्रेंच को एक फ्रेंच बराबर 0.33 mm के बराबर होता है। यदि आपसे फ्रेंच में पूछे तो इतना बताना है, यदि एमएम में पूछता है तो लगभग लगभग 5.48 यानी 5.48 mm के लगभग इसका साइज बताना है आपको। और क्या चाहिए सर? इसके बाद में हम बात करें सर, इनको कलर कोडिंग के हिसाब से बांटा गया है। कलर कोडिंग का हिसाब से देखिएगा कैसे, बात करते हैं हम ब्लू, पहले मैं कलर लिख देता हूँ, ब्लैक, वाइट, ग्रीन, ऑरेंज, रेड और येलो, इनके कलर होते हैं एनजी ट्यूब के, इन कलर के हिसाब से इनका साइज है। तो बता देखते हैं, आठ नंबर जो आठ फ्रेंच है, सॉरी आठ फ्रेंच को ब्लू कलर से इंडिकेट करते हैं, 10 फ्रेंच को ब्लैक से, 12 को वाइट से, 14 को ग्रीन से, 16 को ऑरेंज से, 18 को रेड से, 20 को येलो से। किस में यूज़ किया जाता है तो हम बात करते हैं, ब्लू का जो आठ फ्रेंच का होता है वो यूज़ करते हैं हम नियोनेट में, 10 नंबर का होता है उसको हम यूज़ करते हैं इन्फेंट में, 12 नंबर का होता है उसको यूज़ करते हैं चाइल्ड में, 14 भी होता है सर चाइल्ड के अंदर, 16 नंबर और 18 नंबर हम अडल्ट में यूज़ करते हैं। अडल्ट सर, अडल्ट फीमेल की बात करें तो 16 नंबर, अडल्ट मेल की बात करें तो हम 18 नंबर यूज में करते हैं, और 20 नंबर सर यह जो लॉन्ग पर्सन होता है उसके अंदर हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप की, एनजी ट्यूब के टाइप होते हैं, उनको अलग अलग नाम से इंडिकेट किया गया है। सबसे पहले जिस ट्यूब का नाम है उस ट्यूब का नाम है सर लेविन एनजी ट्यूब। यह जो ट्यूब होती है यह सिंगल ल्यूमेन ट्यूब होती है, इसका यूज फीडिंग करवाने में किया जाता है सर। फीडिंग करवाने, फीडिंग का मतलब यहां पर यहां रखना, इसका इंटरमीडिएट फीडिंग में किया जाता है, इंटरमीडिएट फीडिंग के अंदर, मतलब एक अंतराल के अंदर, अंतराल में इसकी फीडिंग का यूज किया जाता है, उसको बोला जाता है सर लेविन एनजी ट्यूब का। आपसे पूछता है इस इंटरमिटेंट फीडिंग किस ट्यूब के द्वारा की जाती है, तो आप बोलना सर लेविन ट्यूब। इसके अलावा होता है एक ट्यूब और है जिसको बोला जाता है सर डोबहोफ ट्यूब। डोबहोफ ट्यूब इसको हम स्मॉल बोर ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, या स्मॉल बोर साइज या ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस ट्यूब के अंदर छोटे छोटे होल होते हैं, इसलिए इसको बोला गया स्मॉल बोर ट्यूब। यह जो होती है इस ट्यूब की साइज होती है सर 12 फ्रेंच। इसका यूज किस में किया जाता है? इसका यूज भी हम फीडिंग करवाने में कर सकते हैं, पर इसका यूज फीडिंग करवाने में करवा रहे हो, पर कंटिन्यूस फीडिंग, लगातार आपको फीडिंग करवानी है तो इस ट्यूब का यूज कर सकते हो। पर इस ट्यूब की एक खास बात है, इस ट्यूब को आप 2 वीक में चेंज करना होता है, इस वीक ट्यूब को आप 2 वीक में आपको चेंज करना होता है। इस ट्यूब के द्वारा आपको कंटिन्यूस फीडिंग करवानी होती है, लेविन ट्यूब के द्वारा आपको इंटरमिटेंट फीडिंग यानी किसी अंतराल में फीडिंग करवानी होती है। नेक्स्ट बात करें सर सेलम सम्प, सेलम सम्प ट्यूब, सेलम सम ट्यूब होती है, यह डबल ल्यूमन होती है। डबल ल्यूमेन का मतलब होता है इसके अंदर 2 होल होते हैं, 2 मुहें बोल सकते हो आप, 2 होल यानी 2 पाइप, इस तरीके से सिंगल पाइप है, आगे इसके 2 मुहें होते हैं, उसको बोला जाता है डबल ल्यूमन। इसका यूज हम किस में किया जाता है सर? इसका यूज लॉन्ग टाइम सक्सनी में किया जाता है सर। क्यों किया जाता है? स्टोमक को डिकम्प्रेशन
होने से प्रिवेंट करने के लिए लंबे समय तक सक्शन करते हैं। इसका यूज़ किस में किया जाता है सर? सेलम सम्प के अंदर। ट्यूब कैसी होती है? डबल ल्यूमेन होती है। किसके लिए? लॉन्ग टाइम सक्शन फॉर स्टोमक डिकम्प्रेशन में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ट्यूब होती है, उसका नाम है सैंगस्टन ब्लेक मोर ट्यूब। इसका यूज किस में किया जाता है सर? इसका यूज जो इसोफेगस के अंदर ब्लीडिंग हो रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए इस ट्यूब का यूज किया जाता है। नाम क्या है? सैंगस्टन ब्लैक मोर ट्यूब होता है। यह तो थे इस ट्यूब के टाइप, लेविन, ड्रोपसोव, सेलम सम, सैंगस्टन ब्लैक मोर ट्यूब। इसके अलावा ट्यूब, इसके अलावा भी और ट्यूब होती है। सेलम सम का एक काम और बता देता हूँ, इसका यूज आप कंटिन्यूस सक्शनिंग में करते हो। नेक्स्ट सर ट्यूब और एक होती है ट्यूब जिसका नाम है मिल्लर एनजी ट्यूब। पूरा नाम इसका है एबोट मिल्लर एनजी ट्यूब। एबोट साइंटिस्ट का नाम था इसलिए उसके सार पर इसका नाम पड़ गया एबोट मिल्लर एनजी ट्यूब। दिखाई नहीं दे रहा, एबोट मिल्लर एनजी ट्यूब। इसका यूज हम डीकंप्रेशन होने से प्रिवेंट करने के लिए करते हैं सर। किस चीज को? तो बोलना सर इंटेस्टाइनल। इसकी साइज पूछ सकता है कई बार आपसे, 270 सेंटीमीटर इसकी क्या रहती है सर साइज रहती है। ये ट्यूब थी, वापस बता देता हूँ, लेविन्स ट्यूब सिंगल होती है जिसको कंटिन्यूस फीडिंग करवाने के लिए, इंटरमिटेंट फीडिंग करवाने के लिए। डोपसोव ट्यूब जिसको स्मॉल बोर ट्यूब साइज होती है, इसको फीडिंग करवाने के लिए यूज रहते हैं कंटिन्यू। पर इसका साइज 12 फ्रेंच होता है, इसको आप 2 वीक में आपको चेंज करना होता है। सेलम सम डबल ल्यूमन होती है कंटिन्यू लॉन्ग टाइम सक्शन करने के लिए। सेलम सैंगस्टन ब्लैक मोर ट्यूब इसोफोगस में ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए कंटिन्यूस सक्शनिंग में इसका यूज किया जाता है। अबाउट मिलर एनजी ट्यूब डीकंप्रेशन ऑफ इंटेस्टाइन, 270 सेंटीमीटर इसकी ट्यूब की साइज होती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है उस आर्टिकल का नाम है जेली। सर जेली कौन सी? 2% जाइलोकेन जेली। पहले 2% जाइलोकेन जेली का यूज किया जाता था, अभी लेटेस्ट के अंदर KY जेली का यूज करते हैं। दोनों जेली लुब्रिकेंट में काम में ले सकते हैं, लुब्रिकेंट में काम आती है। और यह जो होती है वाटर सोल्यूबल होती है। क्या होती है? वाटर सोल्यूबल, जो कि आप यूज में करते हो जेली को टिप ऑफ एनजी ट्यूब के आगे लगाने के बाद में यह बॉडी के अंदर जाती है और वाटर सोल्यूबल होने के कारण बॉडी में घुल जाती है। अगर आप फेट सोल्यूबल वगैरह कोई और लेते हो तो बॉडी में वह घुलती नहीं है, सोल्यूबल नहीं हो पाएगी तो दिक्कत करती है, इसलिए हम यह जेली यूज में लेते हैं। नेक्स्ट सर क्या लेना है आपको? स्टेथोस्कोप। यह क्यों में लेते हैं? ये इसलिए लेते हैं, आपको प्लेसमेंट चेक करना होता है सर। प्लेसमेंट के लिए वहां पर उसका साउंड चेक करते हो, उसके अंदर यूज में लेते हो। नेक्स्ट सर लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्यों यूज में लेते हैं? पीएच वगैरह चेक करने के लिए, जो आपने प्लेसमेंट कर रहे हो जहां पर आपने एनजी ट्यूब फिक्स की है क्या वो सही है या नहीं है, उसके लिए करते हो आप लोग। नेक्स्ट इसमें लेते हैं 1% सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका यूज किस में लेते हो सर? इसका यूज हम नोस्ट्रिल को क्लीन करने में लेते हैं। जब एनजी ट्यूब को आप प्लेस कर रहे हो उससे पहले इसका यूज नोस्ट्रिल को क्लीन करने में लेते हैं। नेक्स्ट सर सिरिंज, कितने सीसी की लेनी है? 10 सीसी की ले सकते हो या 50 सीसी की लेते हो। क्यों लेते हो? इसका दो काम होता है, एक तो आप इसके अंदर एयर को इन्फ्लेट करने के लिए, दूसरा 50 सीसी जो होता है उसका यूज लेते हो आप रेजिडुअल वॉल्यूम को चेक करने के लिए। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब ये होता है जब भी आप फीडिंग करवाओगे, फीडिंग करवाने से पहले वहां पर उसमें फ्लूड कितना पड़ा है, कितना खाना पड़ा है, जो पहले खाना दिया था वो है या वो एब्जॉर्प्शन हो चुका है, उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम के रूप में जानेंगे। 50 सीसी उसकी सीरीज में यूज में लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं नॉर्मल सेलाइन। नॉर्मल सेलाइन का यूज हम जब भी फीडिंग करवाते हैं, फीडिंग करवाने से पहले, फीडिंग करवाने के बाद एनजी ट्यूब को क्लीन करते हैं। क्लीन का मतलब उसको इसलिए क्लीन करते हैं कि जो पहले खाना दिया था या अब खाना दे रहे हो उसमें आपको स्टिनोसिस से प्रिवेंट करना है। कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, पहले जो खाना दिया था कहीं वो रुका हुआ तो नहीं है, कुछ अब दे रहे हो या बाद में दोगे, उसको आप स्टिनोसिस से प्रिवेंट करने के लिए आप एनएस से उसको क्या करते हो? क्लीन करते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कुछ आर्टिकल थे। इसके अलावा आप आर्टिकल जैसे किडनी ट्रे है, इनका यूज में ले सकते हो। गोज पीस,
पेपर बैग किडनी ट्रे के अंदर अगर नहीं मिल रहा है तो ऑप्शनल में पेपर बैग लीजिएगा आप लोग। डॉक्यूमेंटेशन करना है आपको तो पेन पेंसिल कॉपी वगैरह डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए। इसने खाना कब खाया भाई साहब ने, कब इसने रेजुअल वॉल्यूम कितनी थी उस टाइम, खाना सही खा रहा है नहीं खा रहा, तो उस दौरान आपको इसका चेकअप करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम पोजीशन की। पोजीशन यहाँ पर ये रहेगी, इस पेशेंट को जब एनजी ट्यूब आप इंसर्ट कर रहे हो, एनजी ट्यूब इंसर्ट करने के दौरान इसको कौन सी पोजीशन देनी है तो बताना। इसको हाई फाउलर पोजीशन, हाई फाउलर पोजीशन, हाई फाउलर पोजीशन का यहां पर मतलब रहेगा कि इसका जो हेड होता है उसको लीन फॉरवर्ड करना है आपको। यानी ये जो पेशेंट है ये सुपाइन होती है या आपको फाउलर हाई फाउलर पोजीशन यूं कुछ होती है, इसको ये पोजीशन ना प्रोवाइड करवाकर इस पेशेंट को आपको जो यह जो एरिया रहता है चेस्ट वाला इसको सीधा रखना है, हेड को मूवमेंट करवाना है नीचे की तरफ ऊपर की तरफ। यह जो पोजीशन होती है इसको आप बोलोगे हाई लीन फॉरवर्ड पोजीशन। ऐसा क्यों दिया जाता है, उसका कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए और सर एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए ये पोजीशन दी जाती है। ये थी सर पोजीशन। नेक्स्ट बात करें हम उसके अंदर डायरेक्शन की। डायरेक्शन के अंदर जो आप ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो उसको हम बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड यूज मिलेंगे। बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड का कैसे रहेगा, उस ट्यूब को पहले तो आपको माउथ के अंदर इंसर्ट करनी है, फिर उसको डाउन की तरफ इंसर्ट करनी है। पहले उसको बैक में इंसर्ट करनी है, फिर उसको डाउन में इंसर्ट करनी है, यानी बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये होती है डायरेक्शन। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, जो ये ट्यूब होती है इसके एक बात बता देता हूँ, जो ये ट्यूब होती है एनजी ट्यूब, इसको आपको यूज करने से पहले 10 मिनट पहले, कितने मिनट पहले, 10 मिनट पहले इसको आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड या इसको आपको फ्रिज में रखना पड़ता है। ऐसा क्यों रखना पड़ता है, इसका कारण ये रहता है इसकी रिजिडिटी, ट्यूब की जो रिजिडिटी होता है उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है, या सर इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसको आपको क्या करना होता है रिड्यूस करने के लिए। इनके लिए आपको इनको 10 मिनट के लिए या तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखना होता है या इसको फ्रिज पर रखना पड़ता है, क्योंकि इससे रखने पर इसकी रिजिडिटी को मेंटेन कर पाते हो और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को क्या कर पाते हो, रिड्यूस कर पाते हो। अब हम बात करते हैं इसके आगे कि यह जो ट्यूब होती है प्रोसीजर जब करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कब क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इसके प्रोसीजर की। प्रोसीजर में सबसे पहले आपको डॉक्टर के ऑर्डर को फॉलो करना है। डॉक्टर के ऑर्डर को फॉलो करने के बाद में आपको पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करना है, पेशेंट की पहचान करनी है कि जो पेशेंट आप देख रहे हो, जिस पेशेंट के ऊपर आपको प्रोसीजर करना है, क्या ये वही पेशेंट है। इसके अंदर आपको 10R का यूज करना है। 10R का मतलब यहां पर रहेगा ये राइट पेशेंट है, राइट टाइम पर कर रहे हो आप लोग। इस तरीके से आपको 10R होते हैं, उन 10R को फॉलो करना है। नेक्स्ट अपने बात करें क्या सर, आपको पेशेंट को जो भी प्रोसीजर आप कर रहे हो उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि हम आपके साथ ये एक प्रोसीजर करने वाले हैं, ये क्यों करने वाले हैं, उसका कारण क्यों, कब करने वाले हैं, इसको कैसे करने वाले हैं, इसका फायदा क्या होगा, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, सब चीज़ पेशेंट को एक्सप्लेन करनी है। यहाँ पर करने के बाद में आपको आर्टिकल जो भी आपने लिए हैं उन आर्टिकल को कलेक्ट करने हैं। कलेक्ट करने के बाद आपको वही सेम चीज़ प्रॉपर हैंड वॉशिंग। यह जो कुछ प्रोसीजर से पहले करते हो ये तो सब प्रोसीजर में आपको करना ही है, डॉक्टर के ऑर्डर को फॉलो करना, पेशेंट की पहचान करना, पेशेंट को प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना। यदि वो समझ नहीं पा रहा है तो आपके पास एक हथियार है जिसको बोला जाता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। इसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाइएगा कि आप ऐसा करवाइएगा, आपकी तकलीफ है, ये तकलीफ से आप दूर हो जाओगे, आपको भविष्य में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इस प्रकार से आपको उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाइएगा। फिर आर्टिकल को कलेक्ट करिएगा,
हाथ को धोइएगा प्रॉपर। धोने के बाद आपको फिर प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर यो अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने एनजी ट्यूब ली थी वो एनजी ट्यूब देखिएगा, वही ट्यूब है क्या जो पेशेंट को आपको यूज करनी है। सिर्फ वही का मतलब आपने देखिएगा, इन्फेंट है आपके पास, नियोनेट है या कोई अडल्ट वगैरह है। सर ये क्या होता है, इन्फेंट आप जानते हो, इन्फेंट और नियोनेट 0 से लेकर 28 दिन का जो बच्चा होता है उसको नियोनेट बोला जाता है, 28 दिन से लेकर 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं। इनके लिए अलग अलग ट्यूब को साइज को आपको बताया गया था, 8 फ्रेंच 10 फ्रेंच तो उनको यूज में लेना है। तो अडल्ट है तो उनके लिए अलग फ्रेंच का ही यूज में आपको लेना है। यह लेने के बाद जो आपने मैंने बताया था फ्रिज में रखनी है, डिग्री पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना है। उसको लेने के बाद आपने जो आपको 2% आपके पास जाइलोकेंट जेली है उसका यूज करिएगा। सर जाइलोकेंट जेली का यूज कहाँ पर करूँ, जो आपके पास एनजी ट्यूब है उस एनजी ट्यूब के टिप के ऊपर आपको क्या लगानी है सर, जेली लगानी है। कितनी की लगानी सर टिप के ऊपर जेली, तो आपको बताना है सर अप टू 4 इंच, 4 इंच तक उसके ऊपर आपको जेली लगानी है एनजी ट्यूब के ऊपर। फिर एनजी ट्यूब के ऊपर जेली लगाने के बाद आपको उसको क्या करना है, इंसर्ट करना है। इंसर्ट सर नोज के अंदर इंसर्ट करना है आपको। मैं डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं, नोज से लेकर स्टोमक तक जिस ट्यूब को डाला जाता है उस ट्यूब को एनजी ट्यूब बोला जाता है। सर नोज के अंदर तो नोस्टिल 2 होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, कौन से में इंसर्ट करना है, दोनों में इंसर्ट कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, पर पहली प्रायोरिटी दी जाती है लेफ्ट को। क्या दी जाती है, पहली प्रायोरिटी लेफ्ट को दी जाती है। इसलिए दी जाती है क्योंकि जो लेफ्ट नोस्टिल होता है ना वह राइट नोस्टिल की तुलना में थोड़ा चौड़ा होता है, वाइड बोल सकते हो आप। राइट नोस्टिल में डालना मना नहीं है, पर राइट नोस्टिल जो होता है वो थोड़ा सिकुड़ा होता है, ठीक है, उसके कारण इसमें आप लेफ्ट का पहली प्रायोरिटी दीजिएगा। अगर अदरवाइज लेनी पड़े राइट में तो आप यूज में ले सकते हो, मना नहीं है, पर पहली प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी, लेफ्ट नोस्टिल रहेगी। फिर इसको इंसर्ट करने के बाद में सर जब इंसर्ट करते हो इसको कहां तक इंसर्ट करना है, इसको आपको स्टोमक तक इंसर्ट करना है। सर स्टोमक तक कहां पर इंसर्ट करना है, तो मैं आपको कुछ कंडीशन बता देता हूं कहां तक इंसर्ट करना है। सबसे पहले इसको नोज से ईयर लोब तक मेजरमेंट करना है, नोज से लेकर ईयर लोब तक मेजरमेंट करना है, और ईयर लोब से आपको जिफोइड प्रोसेस तक में डालना है। नोज से लगाइएगा ट्यूब को, ईयर लोब तक मेजरमेंट करिएगा, और ईयर लोब से लेकर जिफोइड प्रोसेस तक आपको इसको मेजरमेंट करना है। जहां तक मेजरमेंट किया है वहां तक इसके आपको या तो वहां पर आप टेप वगैरह एडेसिव टेप है उसका निशान कर लीजिएगा ताकि वहां तक आपको इंसर्ट करनी है। सर दूसरा, ये तो पहले आ गया, दूसरा कहां तक डालना है, वो सेम ही नोज से लेकर ईयर लोब तक, और ईयर लोब से लेकर आपको अम्बिलिकल कॉर्ड से 1 से 2 इंच अबव दूसरी प्रायोरिटी। ये भी ऑप्शन में ना आए तो सर तो बताना सर, नोज से लेकर ईयर लोब तक और ईयर लोब से लेकर जिफोइड प्रोसेस से अम्बिलिकल के बीच में, दोनों के बीच में लगाना है। सर ये भी ना आए तो चौथा ऑप्शन, नोज से लेकर ईयर लोब तक और ईयर लोब से लेकर आपका जिफोइड प्रोसेस से 1 से 2 इंच नीचे की तरफ। ये चार आपको कोई भी ऑप्शन आए आप चारों में से कोई भी इसको टिक कर देना वो सही होगा। ये था मेजरमेंट करने का तरीका। तो सबसे पहले आपको अडल्ट पेशेंट है, इन्फेंट है, नियोनेट है, तो उसके हिसाब से एनजी ट्यूब लेनी है, उसके टिप के ऊपर 2% जाइलोकेंट जेली लगानी है ताकि वो लुब्रिकेंट हो जाए। ये जेली वाटर सोल्यूबल होती है जो बॉडी में जाकर उसके अंदर खुल जाती है। उसके टिप पर जेली कहाँ तक लगानी है, 4 इंच तक जेली लगानी है। फिर उसको इंसर्ट करिएगा लेफ्ट या राइट नोस्टिल से, पहली प्रायोरिटी लेफ्ट नोस्टिल क्योंकि यह इसके मुकाबले ज़्यादा थोड़ा सा चौड़ा होता है। उसके बाद में कहाँ तक डालना है, स्टोमक में। सर स्टोमक में कोई फिक्स जगह है, बिल्कुल है, नोज से ईयर लोब तक मेजरमेंट करिएगा, फिर जुफेड ग्रोसिस तक। नोज से ईयर लोब, अम्बिलिकल से 1 से 2 इंच ऊपर की तरफ, या अम्बिलिकल और जिफोइड प्रोसेस के बीच में, या जिफोइड प्रोसेस से 1 से 2 इंच नीचे की तरफ। यह करने के बाद कई बार क्या होता है, जब आप ऐसा कर रहे होते हो उस दौरान कोई ना कोई बीच में प्रॉब्लम आ जाती है। सर प्रॉब्लम का मतलब क्या रहेगा, यह आपका इसोफेगस रहता है और यहां पर आपका ट्रेकिया रहता है।
यहाँ पर ऊपर वाला भाग रहता है आपका एपिग्लोटिस, जिसको आप छाती का ढक्कन भी बोलते हो। यहाँ से ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो, बाय चांस यह ट्यूब आपका ट्रेकिया में चले जाए, किस में चले जाए, ट्रेकिया वाले में, यानी गलत रास्ता चूज कर लिया इसने। उस दौरान अगर ऐसी प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम को बोला जाता है सर मोमेंटरी प्रॉब्लम, यानी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई। यदि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है उस दौरान आपको इस ट्यूब को सर्कुलर राउंड में घुमाना है, किस में घुमाना है, सर्कुलर राउंड में। सर्कुलर राउंड में घुमाते ही ये निकल कर इसके अंदर चली जाएगी, है ना। अगर फिर भी ऐसी दिक्कत आए, नहीं निकल रही, इस ट्यूब को आपको पीछे की तरफ थोड़ा सा खींचना है, खींचने के बाद वापिस इसको क्या करना है, आपको री इंसर्ट करना है, ठीक है। अगर दो कंडीशन है, यदि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए तो इसको रोटेशन करवा देना, यह सही रास्ते में आ जाएगी, फिर भी प्रॉब्लम लगे तो इसको पीछे की तरफ खींचना और वापस इसको रीइंसर्ट करना। ऐसा करने के बाद आपको इसको क्या करना है सर, फिक्स करना है। अब फिक्स करना तभी फिक्स करना है जब आपको ये लग जाए कि यह जो ट्यूब है वो सही जगह पर प्लेसमेंट हो चुकी है। सर वो कैसे पता चलेगा, तो पता करने के लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा एक्सरे। एक्सरे जो करोगे वह सबसे ज्यादा एक्यूरेट एंड कंफर्मेटिव मेथड होता है। एक्सरे करोगे, वहां पर ट्यूब जो होती है उसके आगे बेरियम जैसा लगा होता है, तो उसमें पता लग जाएगा ये ट्यूब कहां तक पहुंची है। सर ये भी ना कर पाए तो पीएच के द्वारा करिएगा। मैंने बताया था लिटमस पेपर लेते हो, पीएच चेक करोगे, उसको ट्यूब जो डाली हुई थी उसके अंदर आपने सिरिंज से आपको थोड़ा सा फ्लूड निकालना है, उस फ्लूड को आपको लिटमस पेपर पर रखना है। यदि वहां पर उसका लेवल 3.5, सर 3.5 का मतलब एसिडिक आ जाए, यानी लेस देन 4 आ जाए, इसका मतलब है सही जगह है। सर गलत का क्या पता चलेगा, यह ज्यादा से ज्यादा अगर इंटेस्टाइन में चली जाती है तो इंटेस्टाइन में जाएगी, वहां से फ्लूड निकलेगा, उसका फ्लूड आपको लगभग लगभग 7 से ज्यादा मिलेगा, यानी एल्केलाइन। यदि एल्केलाइन आ रहा है मतलब है ट्यूब गलत चली गई, अगर एसिडिक आ रहा है मतलब है ट्यूब सही है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपको उसको क्या करना है, ट्यूब को फिक्स करना है, अगर सही है, अदरवाइज गलत है, उसको बाहर निकाल लीजिए। नेक्स्ट मेथड है, उसका नाम है अस्कल्टेशन मेथड। इस मेथड के अंदर हम क्या सुनते हैं सर, साउंड सुनते हैं। साउंड कैसे सुनेंगे, हम 5 से लेकर 10 सीसी जो सीरिंज है उसके द्वारा हम एयर को इन्फ्लेट करेंगे, इन्फ्लेट करते हैं एनजी ट्यूब के द्वारा। जब उसके अंदर एनजी ट्यूब के अंदर हम एयर को इन्फ्लेट करते हैं तो वहां पर हमको एयर साउंड सुनाई देता है स्टोमक के पास। जो साउंड सुनाई देता है उस साउंड को बोला जाता है वुजिंग साउंड। नेक्स्ट मेथड होता है सर ऑब्जर्वेशन मेथड। इस मेथड के द्वारा कैसे सुनेंगे, इस मेथड का कैसे पता करेंगे, इस मेथड के द्वारा क्या करना है हमको, जो एनजी ट्यूब होता है, एनजी ट्यूब का एंड पार्ट होता है, उसको हम पानी के अंदर डुबोते हैं। पानी के अंदर अगर हम डुबोते हैं, वहां पर अगर बबल्स वगैरह बन रहे हैं तो इसका मतलब वहां पर पता लग जाएगा कि यह ट्यूब सही है या गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं फीडिंग की। फीडिंग में ये था कि हमने ट्यूब को फिक्स कर दिया, अब इसके बाद हमको प्रोवाइड करवाना है सर उसको फीडिंग। फीडिंग कितनी करवानी है, फीडिंग हमेशा डॉक्टर के ऑर्डर के अनुसार करवानी है। डॉक्टर ने जितना प्रिस्क्राइब किया है उस उतने ही हमको उसको प्रोवाइड करवाना है। आप एक बात इसमें ये ध्यान रखनी है, जब भी फीडिंग करवाते हो, फीडिंग करवाने से पहले उसकी हमेशा रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करनी है। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम उसकी 100 ml से ज्यादा है, रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा कि 50 ml जो सीरिंज अपनों ने ली थी ना, उस सीरिंज को आपको क्या करना है, एनजी ट्यूब वाले पार्ट के आगे लगानी है, उसको अपने को पीछे की तरफ उसको पुश करना है। जब पीछे की तरफ पुश करोगे, यदि वहां पर उसमें फ्लूड आता है जो आपने पहले इंसर्ट किया था, वो फ्लूड अगर 100 ml से ज्यादा आ रहा है, तो आपको होल्ड करना है क्या चीज जो फीडिंग आपने करवाई है। सर होल्ड करना है, होल्ड कितने टाइम के लिए करना है तो आपको बताना है, अगली फिटिंग आपको 30 से 60 मिनट तक आपको क्या करना है, होल्ड करना है।
या आप बोल सकते हो कितना और फीडिंग कितनी होल्ड करनी है आपको, होल्ड करनी है जब तक वो पहले वाला जो है डाइजेस्टिव नहीं हुआ है, डाइजेशन नहीं हुआ है। तो हमको एक बात ये बतानी है, यहाँ पर पूछ सकता है, जो आपने फ्लूड को बाहर की तरफ निकाला है, क्या उस फ्लूड को आपको डिस्कार्ड करना है? उस फ्लूड को कभी भी डिस्कार्ड नहीं करना, क्योंकि उस फ्लूड के अंदर HCl पाया जाता है, और जितना आप बाहर निकालोगे तो उसमें ये दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, दिक्कत होगी तो उसको दिक्कत क्या हो सकती है सर? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो उसको आपको जो रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करने के लिए आपने फ्लूड बाहर निकाला था, उसको आपको क्या करना है, वापस अंदर की तरफ इंसर्ट करना है। अब बात आएगी सर फीडिंग के समय इसको कौन सी आपको पोजीशन प्रोवाइड करवानी है, तो फीडिंग के समय इसको पोजीशन आपको प्रोवाइड करवानी है सेमी फाउलर। कौन सी करवानी है? सेमी फाउलर, मतलब 30 डिग्री के एंगल पर इसके हेड को क्या किया जाता है सर? राइस्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए। इसके बाद फीडिंग करवाने के बाद आपको आफ्टर फीडिंग 20 से 30 ml आपको या तो NS या वाटर को क्या करना है सर? इंसर्ट करना है, ताकि वह किससे प्रिवेंट कर सके? स्टिनोसिस से। ये आपका एक प्रोसीजर था जिसका नाम है NG2। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जितना पढ़ा है। सबसे पहले डॉक्टर के ऑर्डर को क्या करना है आपको? फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपको क्या करना है? पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करना है। आइडेंटिफिकेशन में बता चुका हूँ। फिर आर्टिकल क्या करना है आपको? कलेक्ट करने हैं। आर्टिकल कलेक्ट करते हो, हैंड वॉश करते हो। हैंड वॉशिंग करने के बाद आपको क्या करना है? फिर आपको एक्सप्लेन कर दीजिएगा पे जो भी आप इसके साथ प्रोसीजर करना चाहते हो। फिर आपको जो एनजी ट्यूब ली है उसको साइज देखिएगा। साइज देखने वक्त के बाद आपको उसकी जो टिप होती है एनजी ट्यूब के ऊपर, उस ट्यूब टिप के ऊपर 4 इंच तक आपको क्या करना है सर? उसको लुब्रिकेंट करना है। लुब्रिकेंट करने के बाद उसको क्या करना है आपको? इंसर्ट करना है। इंसर्ट करोगे सर किसके द्वारा? लेफ्ट नोस्टिल के द्वारा। तो कहाँ पर? तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसको मेजरमेंट करने के लिए आपको नोज से मेजरमेंट करना है ईयर लोब तक, ईयर लोब से जीफोइड प्रोसेस तक पहला ये। फिर बताया था जीफोइड से अम्बिलिकल के बीच, जीफोइड से 1 से 2 इंच नीचे की तरफ, या अम्बिलिकल कॉर्ड से 1 से 2 इंच ऊपर की तरफ, ये आपको मेजरमेंट करना है। यहाँ तक इंसर्ट करने के बाद उसको आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी एनजी ट्यूब इंसर्ट करो, इंसर्ट करने से पहले उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रिज के ऊपर, या उसको आपको फ्रिज में रखना है, या 4 डिग्री सेंटीग्रेड उसको बर्फ के अंदर रखना है, जो भी इसके अंदर आपको रखना है, क्योंकि इसकी रिजिडिटी को मेंटेन वगैरह करने के लिए। यहाँ तक रखने के बाद इसको आपको ध्यान रखना है, जब इंसर्ट करते हो उस दौरान कोई प्रॉब्लम आई, तो प्रॉब्लम 2 प्रकार की आ सकती है। यदि वो गलत रास्ते से जा रही है तो उसको आप लेफ्ट साइड में रोटेशन करिएगा ताकि वह सही रास्ते में हो जाए, या वह बिल्कुल गलत चली गई, ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको पीछे की तरफ निकालिएगा, निकाल कर उसको वापस से री इंसर्ट करिएगा। यह करने के बाद आपको उसको अब करना है, पहुंच चुकी है अपनी जगह पर, तो उसको फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए सबसे पहले आप एक्सरे को चेक करिएगा सही जगह पहुंची है, फिर पीएच चेक करिएगा उसका लेवल सही जगह है या नहीं, फिर स्टेथोस्कोप के द्वारा चेक करिएगा साउंड वगैरह सुनकर, या फिर बबल्स वगैरह चेक करिएगा कि ये सही चीज है या नहीं, जगह पहुंची है। बिना फिक्सेशन या चेक किए के बिना आप उसको फिक्सेशन नहीं करना। यहां तक अपनों ने पढ़ा था, और क्या पढ़ा था सर? यहां तक अपनों ने एक बात और पढ़ी थी सर फीडिंग के बारे में। तो फीडिंग क्या करना है? यदि रेजिडुअल वॉल्यूम 100 ml से ज्यादा आ रहा है तो आप उसको क्या करना है सर? होल्ड करना है। और जो भी आपने रेजिडुअल वॉल्यूम के लिए जो फ्लूड बाहर निकाला है, उस फ्लूड को डिस्कार्ड नहीं करना, वापस से क्या करना है? उसको इंसर्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि HCl का लेवल उसमें भरा पड़ा है, नहीं तो मेटाबोलिक एसिडोसिस हो जाएगा, ये दिक्कत हो जाएगी, इसके कारण आपको ध्यान में रखना है। ये था एनजी ट्यूब का प्रोसीजर। नेक्स्ट बात करते हैं सर कॉम्प्लिकेशन की। एनजी ट्यूब के द्वारा क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? तो सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन है उसको हम बोलेंगे सर डायरिया। और क्या हो सकते हैं? नेजल अल्सर। और क्या होता है सर? मेटाबॉलिक एसिडोसिस और लंग एस्पिरेशन। ये कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, पर इनके कॉम्प्लिकेशन के लिए अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। कैसे? यदि वहां पर आपसे पर्सन पूछता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहता है डायरिया।
अगर वो पूछता है लंबे समय तक एनजी ट्यूब का यूज कर रहे हो तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन आएगा, तो बोलोगे सर नेजल अल्सर, यानी नोज के अंदर अल्सर हो जाएंगे लंबे समय तक एनजी ट्यूब लगा कर रखते हो। और क्या पूछ सकता है, और यू पूछ सकता है ड्यूरिंग एनजी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो उस दौरान क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो बोलना सर लंग एस्पिरेशन, यानी वो गलत रास्ते में चली जाती है, लंग्स के अंदर ट्रेकिया वाले रास्ते में जाती है, तो वहां पर एस्पिरेशन की संभावना हो सकती है। और क्या बोल सकते हो सर, जब आप रेजिडुअल वॉल्यूम चेक कर रहे हो, वो फ्लूड निकाला है उसको डिस्कार्ड कर दिया, तो कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है सर, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस ड्यू टू किसके कारण, डिक्रीज एसिड लेवल के कारण, ये इसके क्या है कॉम्प्लिकेशन है। और एक बात, एनजी ट्यूब जो होती है उसको कितने दिनों में चेंज करना है, तो पहले की जो गाइडलाइन थी उसमें ये बताया गया था कि एनजी ट्यूब को होता है उसको आपको 1 वीक तक रखना है। अभी जो लेटेस्ट की जो गाइडलाइन है उसमें ये बताया गया एनजी ट्यूब को आप 2 वीक के अंदर क्या करोगे, चेंज करोगे। ये था आपका एक प्रोसीजर जिसका नाम है एनजी ट्यूब। थैंक यू क्लास।